नमस्कार, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हमारे बीच एक ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1674 ला करके जेई एडवांस में अपना परचम लहराया है। तो चलिए नंदिनी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके सक्सेस स्टोरी में किन किन का हाथ था और उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस को सामना किया। सो नंदिनी, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने ट्वेल्थ बोर्ड के साथ अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किस तरीके से की? ट्वेल्थ के साथ एक्चुअली हम लोग इस मामले में बहुत लकी थे क्योंकि हम लोग का ट्वेल्थ बोर्ड कैंसिल हो गया था, बट स्टिल स्कूल को मैनेज करना होता है साथ में। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ट्वेल्थ और मतलब जेई को मैनेज करना डिफिकल्ट है। एक्चुअलिटी में अगर आप देखें जेई मेंस का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस, तो आपको सेम चीज़ से पढ़ने होते हैं। जेई मेंस तक तो एग्जैक्टली सेम है, तो अगर आप जेई मेंस के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर है तो आपको बोर्ड के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। लिटरली अगर आप 15 दिन पहले शुरू करें आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मतलब हम तो स्कूल के लिए कुछ नहीं कहते, मेरे को इतना अच्छा परसेंटेज आया, मेरे को आया 98.2 विदाउट स्टडिंग एनीथिंग फॉर द बोर्ड। हाँ, क्योंकि और उसके बाद फिर अगर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं उसमें भी ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप बस अपने जेई पे फोकस, स्टार्टिंग से तो अपने जेई पे ही फोकस करना है। आप बस उसके लिए अपना सारे एनसीईआरटी कंप्लीट करके रखिए, अपने सारे बुक्स जितने भी उसके लिए करने हैं वो सब आप करके रखिए। अगर आपका मेंस लेवल तक प्रिपरेशन है तो आप बोर्ड आसानी से क्लियर कर लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको। तो आप कोचिंग भी जाते थे, राइट? तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाए? बोर्ड्स के मतलब स्कूल्स का भी क्लासेस रहता होगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और आपके कोचिंग के भी क्लासेस चल रहे हैं, तो दोनों का टाइम मैनेज कर पाना और अपने लिए सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल पाना, ये कैसे आप कर पाए? ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि मेरे को बहुत टाइम, लोगों को लगता है मतलब हम क्लियर कर लेंगे तो हम थोड़े से फास्ट होंगे, मेरे को जल्दी समझ आता होगा, बट एक्चुअली में मेरे को भी बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। मेरे को टाइम मैनेजमेंट का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो हम जैसे भी करके, यही बात है, अपने लिए टाइम निकालना होता है बाकी चीज़ों को कट करके। मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, हम सोशल मीडिया पर नहीं थे, ये सब चीज़ को हम कट करके अपने लिए टाइम निकालते थे अपने स्टडीज़ के लिए। कितना बार हुआ है कि मतलब हम ये चीज़ हमको हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर हम स्कूल जाते थे, स्पोर्ट्स डे होता था, हम वहाँ से बंक के पूरा दिन एक लैब में बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे कोचिंग का। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा, कोई आपको टाइम देने नहीं वाला। ये चैलेंजेस सबके लिए होता है, जितने भी बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर करें सबके पास ये प्रॉब्लम्स है कि आपको स्कूल है, कोचिंग है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको कोचिंग का होमवर्क, जो आपको हुआ है कोचिंग में उसी दिन आपको जाके वो रिवाइज करना ही है, उसका होमवर्क करना ही है। अब उसके लिए आपको खुद से ही टाइम निकालना होगा। आपको उसके लिए अपने पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। हो सकता है आपको स्कूल को थोड़ा सा निगलेक्ट करना पड़े, पर जो भी आपको खुद से अपना टाइम करना ही पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने नंदिनी जी। तो ये जेई मेंस का, जैसे कि आपने बताया कि आपने साथ में ही बोर्ड्स के साथ में इसका शुरुआत कर दिया था प्रिपरेशंस का, तो क्या मतलब डिफरेंस क्या होता है ये बोर्ड्स और जेई मेंस में, डिफरेंस क्या है, कितना डिफरेंस है और कैसे इसका प्रिपरेशन किया जा सकता है साथ में बोर्ड के साथ में? देखिए, जेई मेंस के सिलेबस को अगर आपको करना है तो इट्स एग्जैक्टली द सेम। अगर आप एनसीईआरटी रट के चले जाएं तो आपको जेई मेंस में उससे बहुत सारे सवाल डायरेक्ट मिल जाएंगे। बस उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको बेसिक लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। इतना भी इजी नहीं होता है जेई मेंस, बट अगर आप देखें एडवांस के लिए, एडवांस के कंपेरिजन में तो बहुत ही इजी होता है जेई मेंस। तो बस आप उसका, इवन इफ आप उसका थ्योरी पूरा अच्छे से कर लें, आप क्लास में ध्यान दें, उसका बेसिक लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो आप बहुत अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं जेई मेंस में। इट्स नॉट दैट टफ जितना लोग सोचते हैं। और ये मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने जेई मेंस क्लियर कर लिया, क्लियर करने के बाद फिर एडवांस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना चाहिए, क्योंकि एडवांस के एग्जाम थोड़ा टायरिंग हो जाता है, काफ़ी लंबा खिंच जाता है, उसके बारे में अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, जेई एडवांस बहुत डिफरेंट है बाकी सब चीज़ से, मेन से, बोर्ड से, आप जितने भी बिट्स आज देंगे, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स देंगे, क्योंकि उसमें आपके उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, बट आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा टायर कर देता है, मतलब आपको बहुत सोचना होगा। प्लस उसका जो एग्ज़ाम होता है वो 6 आवर्स का टोटल पेपर होता है, 3 आवर्स, फिर उसके बाद ब्रेक, फिर 3 आवर्स, तो वो बहुत ज़्यादा टैक्सिंग जॉब होता है। तो मेरे लिए तो बेस्ट स्ट्रैटेजी था कि जैसे ही मेरा मेंस ख़त्म हुआ, इवन जो हम लोग के तो फोर्थ अटैम्प्स थे, तो मेरे फोर्थ अटैम्प्ट से पहले ही मैंने उसका मॉक्स देना शुरू कर दिया था और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना शुरू कर दिया था एज मॉक टेस्ट। फिर हम मॉक टेस्ट देते थे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करते थे, और मतलब मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक उतना हम नहीं सेट कर पाए थे क्योंकि मेरे को रात में पढ़ने का आदत था, बट उससे मेरे को बहुत अच्छा हैबिट हो गया कि 6-6 घंटा तक हम बैठ पा रहे थे, विच इज़ अ वेरी टायरिंग जॉब। वो आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए इतना एग्जॉस्टिव होता है, आपके बॉडी के लिए इतना एग्जॉस्टिव होता है कि आपको 6 घंटे के लिए बैठ के एक पेपर सॉल्व करना है। तो उसका प्रैक्टिस आपको सिर्फ मॉक
मॉक टेस्ट देने से ही आ सकता है, और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं, और मैंने किसी को नहीं देखा है जो बिना मॉक टेस्ट के इस एग्जाम को सॉल्व कर पाया। जी, तो मॉक टेस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए, और इसके मतलब मॉक टेस्ट कब से देना शुरू कर देना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? मेरे लिए तो ऐसा था कि मतलब मेरा फर्स्ट, हम लोग के टाइम पे चार अटेम्प्ट्स हुए थे, तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जेईई मेंस का, उससे पहले मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, फिर तब तक मैंने कोई मॉक टेस्ट देना नहीं शुरू किया था। तो मैंने अपने सर से बात किया, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि ऐसे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब मॉक टेस्ट देना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक बार पहले सिलेबस का रिविजन किया, और फिर उसके बाद मैंने डायरेक्टली मॉक टेस्ट ही दिया है एंड में, मतलब 6 महीने तक आई वॉज जस्ट गिविंग मॉक टेस्ट, मतलब पहले मेन्स के लिए, फिर उसके बाद एडवांस का हम शुरू किए मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट चीज है और इतना मतलब अच्छा चीज है, उससे मतलब एक बार में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जा रहा है, और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, उसमें मेरा पूरा मतलब एक दिन, अगर एडवांस का पेपर है तो एक दिन हम पूरा टेस्ट देते थे, फिर नेक्स्ट डे हम उसका एनालिसिस करते थे, और मतलब उससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाता है आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, अगर कोई चैप्टर उससे आपको पता चलता है आपका कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है, छूटा हुआ है उसमें कुछ, तो आप वापस से जाकर उस चैप्टर को रीड कर सकते हैं, वो आपको एक बार में पूरे के पूरे सिलेबस को में बहुत मदद करता। हम तो पूरे हम ऑलमोस्ट 200 मॉक टेस्ट दिए होंगे, और आई नेवर रिग्रेटेड, मतलब मॉक टेस्ट ही है जो मेरे को मेरा रैंक दिया है। डेफिनेटली, और किसी भी स्टूडेंट को अपने कोचिंग को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, जब आप टेंथ में अपना क्वालिफाई करके उसके बाद 11th में एडमिशन लिए, तो उसी समय से आपने मन बनाया होगा कि मुझे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, जेईई मेंस और एडवांस को क्लियर करना है, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे लिए कौन सा कोचिंग बेस्ट है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? तो आपने किस तरीके से डिसाइड किया, और किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे डिसाइड करना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में? देखिए, हम तो 10th के बाद नहीं डिसाइड किए थे, हम एक्चुअली 9th से ही हैं, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ब्रदर्स अकेडमी, और मतलब 9th में बस ऐसा था कि मेरे को इतना पता था मेरे को साइंस पसंद है, तो मेरे को उस फिर मेरे को बस उसको एक्सप्लोर करना था, और इसलिए हम सोचे थे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, तो मैं सीनियर से बात किए, बहुत लोग सजेस्ट किए कि ब्रदर्स अकेडमी बहुत अच्छा है, और उसका एक ब्रांच में घर के जस्ट बगल में शुरू हो रहा था, तो हम बस सोचे थे जाके देख लेते हैं, और सब कोई अच्छा ही उसका रिव्यू दिया था। बट एक बार हम गए 9th क्लास में, मतलब आई वॉज सो इंस्पायर्ड, इतना अच्छा टीचिंग वहाँ के सारे टीचर्स, मतलब उसी के बाद हम डिसाइड किए कि मेरे को IIT ही क्रैक करना है, वहाँ पर जाके मैं इतना इंस्पायर हो गया। फिर 9th 10th हम वहाँ से किए, उस टाइम हम मतलब स्कूल को ज़्यादा ये ध्यान देते थे, कोचिंग उतना ध्यान नहीं देते थे, बट फिर 11th स्टार्ट होते ही, जस्ट बिकॉज हम 9th 10th में वहाँ पर देखे थे वो इन्वायरमेंट, हम 11th स्टार्ट होते ही तुरंत उस चीज़ को स्विच कर पाए, मतलब तुरंत हम IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाए, और हम कभी रिग्रेट नहीं किया ब्रदर्स ज्वाइन करना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन रांची, डेफिनेटली। सो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा रहा शुरुआत से ही, मतलब आप ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते थे या थ्योरेटिकल्स पे फोकस करते थे, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन को अपने आगे बढ़ाया? देखिए, दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जब आप किसी भी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब जब आप क्लासेस जा रहे हैं, तो थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग ये चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, वो लोग बस सोचते हैं कि हम लोग क्लास से आ गए अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बता नहीं सकते मेरे को कितना सा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अपने नोट से दिखा, और इतना सा क्वेश्चन मेरे को रिग्रेट भी हुआ कि मेरे को नोट्स अच्छे से याद नहीं है, इसलिए हम वो सबको सॉल्व नहीं कर पाए। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में, पहले आप नोट्स, और ऐसा नहीं कि नोट्स को ही अब रटते रह जाना है, वो भी बहुत गलत स्ट्रैटेजी होता है, पहले आप नोट्स को एक बार अच्छे से समझ जाइए, उसको एक बार अच्छे से जो भी फॉर्मूला उसको याद कर लीजिए, एंड देन फिर एक बार जब आपका क्लास चल रहा है, तो उसके जितने भी आपके पास ये है स्टडी मटेरियल है या फिर PYQs है, वो सबको आप कंप्लीट कर लीजिए, और फिर एंड में आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, बट स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने नोट्स पर फोकस करना, क्योंकि वही आपको आपको कॉन्सेप्ट्स देंगे। बिल्कुल, और ये जो आपका पूरा तैयारी का पीरियड था, ये लॉकडाउन में ही बीता, आप घर पे ही बिताए, चाहे आपका स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, सो इस समय में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा ताकि आप इस दिशा में बढ़ पाए और इसको क्लियर कर पाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, लॉकडाउन जब हुआ तो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप कोचिंग जा रहे हैं आपके पास एक मोटिवेशन रहता है, आप दूसरे लोग को देख रहे हैं, सर लोग आपको मोटिवेटेड करके रखते हैं, मतलब आप आपके पास एक मोमेंटम रहता है, बट जब आप घर में रहते हो तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत खुश थे कि मेरे पास 24 आवर्स है, हम कितना कुछ कर पाएंगे, बट जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है तो आपके पास उतना ही टाइम रहता है वेस्ट करने के लिए, आपके पास उतना ही डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अपने आप को कंट्रोल रखना, और अपने आप को समझा के रखना कि नहीं मेरे को पढ़ना ही है, और वो सिर्फ हो सकता है जब आप खुद को मोटिवेटेड रखें, जब आपके खुद को क्लियर हो कि मेरे को जाना है IIT और ये टफ एग्ज़ाम है,
और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कोई अपने घर पे सो गया, आपको अपना मोमेंटम को मेंटेन रखना ही पड़ेगा और वो आप खुद के लिए कर रहे हैं तो, और वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉकडाउन में, क्योंकि जब आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपके पास दूसरे लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बट जब आप घर पे हो तो सर लोग कुछ नहीं कर सकते, आप अपना होमवर्क नहीं करो कुछ नहीं होगा आपको, बट आपको खुद को मोटिवेटेड रखना होगा क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपको अपने करियर के लिए सीरियस रहना पड़ता है तो वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करने लगता है। तो आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया घर पर रह करके, मतलब आप क्या क्या चीज़ें करते थे लाइक प्रैक्टिसिंग योगा मेडिटेशन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या फिर आपने अपने आप को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखा, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में। जी हाँ, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन में आपके पास उतना ही टाइम है, इंस्टाग्राम आप देख सकते हो, आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, तो हम अपने आप को बहुत कंट्रोल रखते थे, मतलब हम, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट था नहीं, ऐसे भी हम फ़ोन भी अपनी मम्मी के साथ चैट करते थे ताकि हम ज़्यादा नहीं यूज़ करने लगे, बस हम उसको यूज़ करते थे व्हाट्सएप सर लोग से डाउट पूछने के लिए, मेरी एक फ्रेंड थी उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए बस, और फिर मतलब मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए, वो लोग भी मतलब घर में नेटफ्लिक्स नहीं लगाए, प्राइम नहीं लगाए, क्योंकि हम सबको मना करके रखे थे ये घर में आ जाएगा तो फिर मेरा प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखना। और हम मतलब हर एक दिन हम बहुत सोते थे तो उससे हम बहुत मोटिवेटेड रहते थे दिन भर, मतलब एक बार में लाइक 9 घंटा सो जाते थे और फिर हम लगातार पढ़ते ही रह जाते थे दिन भर क्योंकि हम इतना ज़्यादा सोए थे, एंड उसके बाद हम रोज़ आधा घंटा निकालते थे एक्सरसाइज के लिए, वो भी मेरे को बहुत मोटिवेटेड रखता था, उसकी वजह से हम अपना मेरा दिमाग भी फास्ट काम करने लगा, मतलब लास्ट लॉकडाउन नहीं किए थे वर्कआउट या फिर कुछ भी, हम बस मेरा मतलब हेल्थ पे भी हम ध्यान नहीं दिए थे, बट वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट वो मेरे पढ़ाई को भी इतना ज़्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस किया, इतना मतलब मेरे पढ़ाई को वो सपोर्ट कर रहा था, वो ऐसा नहीं था कि हम आधा घंटा निकाल रहे हैं, वैसा था वो आधा घंटा मेरे बाकी दिन को सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डाइट को ठीक रखना और प्रॉपर सोना, मतलब ऐसा नहीं कि नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना हम इंटरनेट चला रहे हैं, वो सब नहीं करना है, अपने अपना स्क्रीन टाइम को लिमिटेड रखिए और जस्ट प्रॉपर सोइए और पढ़ाई कीजिए। हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि उसको टॉप 10 में आना है, बेशक आपका भी रहा होगा, सो आपका जो ऑल इंडिया रैंक आया 1674, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप टॉप 10 में आते तो और अच्छा रहता है या फिर सेकंड अटेम्प्ट देना चाहिए मुझे ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, मतलब बाकी लोगों को लगता होगा, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता, हम किसी को भी देखते मेरे को लगता है उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये मेरा इतना दिन का मेहनत है, इतना दिन का सैक्रिफाइस है, इतना दिन का सेल्फ कंट्रोल है और हम इतना डिसिप्लिन अपने ऊपर रखे हैं, ये रैंक मेरे लिए बेस्ट है, मतलब हम जितना मेहनत किए हैं वो सारा ये रैंक में गया है, ये एक रैंक के लिए हम इतना मेहनत किए हैं, हमको कभी नहीं लग सकता कि हम एक और अटैम्प्ट दें, क्योंकि हम जितना कर सकते थे हम अपना 100% दिए हैं, ये सुनने में थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगेगा बट टू थिंक बैक मेरे पास कभी भी ऐसा टाइम नहीं है जिसको हम रिग्रेट किए हों, जिसको हम सोच रहे हों कि हम अपना 100% नहीं दिए हैं, और मतलब इसीलिए ये रैंक मेरे लिए बेस्ट है, भले ही टॉप 100 में आते डेफिनेटली मेरे लिए बेटर होता बट ये रैंक मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी, और इस रैंक लाने में किस किस का सपोर्ट रहा है आपके पीछे? सपोर्ट बहुत लोगों का रहा है, बहुत लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे पेरेंट्स, मेरी कोचिंग, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भैया लोग, वो लोग भी मेरे लिए बहुत कंसर्न रहे, बट सबसे बड़ा किसका रोल रहा है तो हम बोलेंगे मेरा, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा मतलब ईगोइस्टिक साउंड करेगा कि हम ऐसे अपने बारे में सोच रहे हैं, बट हम बता नहीं सकते हम कितने बार खुद को मतलब मतलब जब भी सामने ही बनता ना, हम कितने बार रोते रहे हैं, अपने आप को ही समझाए हैं, फिर अपने आप को ही हम पिकअप करके नेक्स्ट सम पे चले गए हैं, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी और से एक्सपेक्ट करेंगे तो किसी और को उतना मतलब नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट, मतलब क्या मतलब आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू इट फॉर योर ओन सेल्फ, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, आपको अपने लिए करना पड़ेगा, और ये करियर आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है सब चीज़, तो आपको अपने आप को ही मोटिवेटेड रखना पड़ेगा और आपको अपने से ही करते रहना पड़ेगा। तो हम तो सबसे ज़्यादा थैंकफुल मेरे लिए हैं कि हमको जब भी किसी क्वेश्चन को देख के रोना आ रहा होता था, जब भी मेरे को लो मार्क्स आता था तो आई डिडंट गिव अप, और वही चीज़ मेरे को एंड में पे ऑफ भी किया है, और यही चीज़ हम किसी और को भी बोलेंगे कि एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत बार लगता है यार गिव अप कर देते हैं, थोड़े से लो कॉलेज में चले जाएंगे क्या फर्क पड़ता है, पर जब रैंक आता है तो फिर इतनी खुशी होती है, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लगता है, अपने आप के लिए इतना अच्छा फील होता है, तो हम लोग को अपने आप को ही मोटिवेटेड रखना है और अपना काम करते रह जाना है बस एंड तक। और आपको क्या क्या लगता है कि आपके कौन कौन से मिस्टेक्स हुए जिनको आप सुधार सकते थे, आप उन व्यूअर्स को उन स्टूडेंट्स को ज़रूर बताइए
अपने थ्रू मैसेज देना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं कि वो मिस्टेक्स वो कमिट ना करे जो आपने कमिट किया है? डेफिनेटली मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था केमिस्ट्री, क्योंकि हम पहला मेंस दे के आए तब तक मेरे को केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आता था। मतलब हमको फिजिक्स मैथ्स अच्छा लगता था, लगता था केमिस्ट्री क्यों हम रटे जा रहे हैं, इसका कोई पॉइंट नहीं है। पर और मतलब इतना उसमें रटना पड़ता था, मेरे को एकदम इंटरेस्ट नहीं करता था। बट फिर जब हम मेंस दे के आए तो मेरे को उसमें इतना पीछे परसेंटाइल आ गया, और उसमें मतलब केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, वो आपको मतलब एक गोल्ड माइन है आपके मार्क्स के लिए। उसमें बस आप जो नोट्स में पढ़े हैं वो आपको डायरेक्ट दिख जा रहा है क्वेश्चन पेपर में, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। मतलब एडवांस के पेपर में तो ऐसा होता है कि मतलब मैथ्स का क्वेश्चन का लेवल इतना ऊपर होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आपको 4 मार्क्स मिल रहा है, और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो कि आपके नोट से डायरेक्टली, और इसमें भी आपको 4 मार्क्स मिल रहा है, तो उसके बाद अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से केमिस्ट्री को छोड़ रहे हैं तो ये तो मतलब अपने आप से ही धोखा करना हो गया। तो हम पहला मेंस दे के आए, फिर हमको ये रियलाइज़ हुआ, तो हम बैठ के बस मतलब जो मेरे को लॉकडाउन में टाइम मिला, हम एक महीने बस बैठ के मैं केमिस्ट्री का एनसीईआरटी ठीक किए, मेरी केमिस्ट्री को उस लेवल पे लेके गए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो आपको इतना सारा फ्री का मार्क्स होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये एक मिस्टेक हो गया कि केमिस्ट्री को नहीं करना चाहिए, और अपना बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स करके रखना चाहिए। क्योंकि मेरा हैबिट्स तो ऐसा था, मतलब हम रात को 4 बजे सोते थे, दिन में 1 बजे उठते थे, तो मेरे को इतना प्रॉब्लम आया सारे एग्जाम्स के वक्त, मतलब एडवांस के पेपर के वक्त। मतलब आपको अपना ये हैबिट सेट कर लेना चाहिए, सबको पता है कि 9 बजे से पेपर होगा, बट आपको उठना है 6 बजे उस दिन, उतना दूर सेंटर जाना है, वो आपकी बॉडी के लिए इतना टैक्सिंग हो जाता है। मतलब एंड होते होते मेरे को इतना सा क्वेश्चन आ रहा था, पर मेरे से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि हम इतने एग्जॉस्टेड हो गए थे, मेरे को आदत ही नहीं था उस टाइम पर जगे रहने का। तो आपको जब स्टार्टिंग से पता है तो आपको उसी टाइम पर उठना चाहिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, स्पेशली जब एग्जाम पास हो आपको 6 बजे ही उठना चाहिए, 9 बजे से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाए, आप जितना पढ़ें उसको आप प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें टू दैट प्रोपोर्शन। और आपका क्या मैसेज रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरा ये मैसेज रहेगा कि जस्ट डोंट गिव अप। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि हम अकेले हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम नॉट दैट स्मार्ट, ट्रस्ट मी इट्स नॉट अबाउट इंटेलिजेंस। हमको भी स्टार्टिंग में सबको मेरे को यही बोला है, वो ये तो बहुत तेज़ है, ये तो IIT कर ली, पर मेरे को पता है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सबको के पास ऑलमोस्ट सेम दिमाग है, इट्स जस्ट अबाउट हार्ड वर्क। हमको पता है जो लोग मेरे से आगे भी रैंक लाया है, हमको उस लोग से जेलसी नहीं होता, हमको बस उन लोग के लिए रिस्पेक्ट लगता है, क्योंकि लोग हम इतना मेहनत किया, हम सोच नहीं सकते लोग कितना मेहनत किया होगा, तो मेहनत बहुत लगता है, पर सबको ही कर रहा है। और अगर आपको जाना IIT तो आप उतना मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर उसके प्रपोर्शन में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और आपको बस अपना काम करते रह जाना है रोज़, जब तक आपका एडवांस का एग्जाम ना हो जाए। थैंक यू सो मच नन्नी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद अस। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लाइक और शेयर करना ना भूलें, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।